नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुंमुखी विकास करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की ओर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणावासी लगातार उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मनोहर नीति और योजनाओं पर चलकर हरियाणा विकास की नई गाथा रच रहा है। हर क्षेत्र में समान विकास कर रहा है। हरियाणा के हर नागरिक को मनोहर नीतियों का फायदा हो रहा है। हर वर्ष सुशासन दिवस मनाने वाली हरियाणा सरकार ने इस कदम से प्रदेश को नई गति दे दी है। इस रिपोर्ट में देखें। पच्चीस दिसंबर 2014 ये वो तारीख है जब हरियाणा के हित के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पहली बार सुशासन दिवस की अवधारणा लागू की थी। और तब से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर साल हरियाणा के हित में एक नया संकल्प लेते रहे हैं। सुशासन दिवस के मौके पर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मनोहर विकास का संकल्प लिया है। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को निरोगी और स्वस्थ रखने का है, तो हरियाणा के हर नागरिक के समान विकास पर विशेष ध्यान देना है। सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं, तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, इवन सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। दो जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है, तो उनके लिए संतोष की खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। अगर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है
जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के नागरिक उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जिनका सीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही हरियाणा सरकार ने नागरिकों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे, वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने पर अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा, और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव है, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 800 और 45 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी, इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद, और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं, 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। हरियाणा के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे प्रदेश और प्रदेशवासियों का भला हो। हरियाणा में विकास के साथ ही शांति कायम रहे, इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 3 से बढ़ाकर 4 पुलिस कमिश्नर करने का ऐलान कर दिया है। इस कदम से हरियाणा के विकास को मनोहर गति मिलेगी। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है, तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना, ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे
एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती है। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और एडीजीपी एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। हरियाणा के हित में काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से न केवल हरियाणा का विकास हो रहा है बल्कि हरियाणा वासियों को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है और प्रदेश अपने मनोहर पहचान कायम कर रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो वहीं हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक नई पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम की शुरुआत की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें, शुल्क प्रतिपूर्ति फॉर्म भरकर पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करें, कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन करने के उपरांत ई सैलरी पोर्टल पर चालान ईपीएस किया जाएगा अपलोड, बिल क्लियर होने के बाद पासपोर्ट की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद शुल्क प्रतिपूर्ति फॉर्म भरकर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही ई सैलरी पोर्टल पर चालान ईपीएस किया जाएगा अपलोड, उसके बाद बिल क्लियर होने के बाद पासपोर्ट की सीधी राशि बैंक के खाते में जमा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा कामयाबी की राह पर आगे बढ़ रहा है, रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मनोहर सरकार में हरियाणा का हर एक नागरिक उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा की गिनती हो रही है। हरियाणा रोज नए इतिहास रच रहा है। हरियाणा के हर क्षेत्र में अनगिनत विकास के काम हो रहे हैं जिससे हरियाणा वासियों को फायदा हो रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखें और समझें। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियां तैयार कर उन योजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे कि हरियाणा के नागरिकों का विकास हो। इसके लिए मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बेहतर और सफल कदम उठाए हैं जिनका सीधा लाभ हरियाणा के हर जरूरतमंद को हो रहा है। मनोहर सरकार हरियाणा को निरोगी हरियाणा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5,00,000 रुपए की जो बीमा स्वास्थ्य बीमा की योजना उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे, अब ये नई योजना में 28,00,000 और 89,000 लगभग 29,00,000 परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30,00,000 परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5,00,000 पहले बट चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया वहां 8,00,000 परिवार और बटेंगे, लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5,00,000 रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80,00,000 लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से, यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80,00,000 परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है लगभग 5,800 लोगों ने इसकी सहायता इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है, तो अर्थात 5,800 करोड़ 5,800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था, तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। ऐसे ही एक योजना निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच, पहले बार तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे क्योंकि
इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उसके लिए भी समय लगेगा, लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है 80,000 लोगों का और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में हर वो योजनाएं जो नागरिकों के हित के लिए चलाई जा रही है, मनोहर नीतियों के तहत उन्हें ऑनलाइन कर और भी सरल बना दिया है, जिससे कि हर जरूरतमंद को समय पर योजनाओं का लाभ हो और किसी भी नागरिक को परेशान होने की जरूरत ना हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में स्मार्ट शासन की दिशा में काम कर रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन हम देखते हैं कि दर दर भटकते थे, पेंशन बनती नहीं थी, इसको भी ऑनलाइन कर दिया है कि जिस दिन 60 वर्ष की आयु और उस कपल की पति पत्नी की आय यदि 2 लाख या इससे नीचे है तो उससे तुरंत उसको उसका जो ओल्ड एज पेंशन का खाता खुल जाएगा, उसको ये पेंशन उसकी मिल जाएगी, इसमें भी उसको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जितनी सेवाएं हैं इन सेवाओं को सबको विधिवत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने पूरी आबादी हरियाणा की 2,83,00,000 आबादी है, इसके 5 भाग के हैं आयु के हिसाब से, और आयु के हिसाब से इन हरेक वर्ग की चिंता एक विभाग करेगा और उस विभाग के बाद उसी को कोई भी कमी आती है किसी और विभाग से भी काम कराना है तो वो जो नोडल डिपार्टमेंट है वो उस पूरे डिपार्टमेंट की चिंता करेगा, पूरे वर्ग की चिंता करेगा। जैसे 0 से 6 साल तक, 6 साल से 18 साल तक स्कूल एजुकेशन, 0 से 5, 6 WCD, 18 से 25 ये हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 साल तक ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, रोजगार देने वाले डिपार्टमेंट, वो उनको रोजगार चाहिए उस प्रकार का वो करेंगे 60 साल, और जो जीवन जितना भी व्यक्ति का चलता है, हमने 120 साल तक के भी आयु के लोग ऐसे ढूंढे हैं, ऐसे सबका जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वो इस पर काम करेगा। हमारे यहां मैंने एक आंकड़ा देखा, 100 से लेकर 120 साल तक के भी 4,038 लोग अभी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, 4,038 100 से 120 साल। देखा जाए तो इस मामले में हम जापान से भी आगे हैं। जापान में लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु के लोग वहां रहते हैं, हमारे हरियाणा में उससे भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता भी हमको करनी होगी। तो इस प्रकार से इस सुशासन के सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, पारदर्शिता को लाते हुए और एक स्मार्ट शासन। हरियाणा के हित के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर साल सुशासन दिवस पर हरियाणा के विकास का संकल्प लेते रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष से संबोधित कर प्रदेश की उन्नति और प्रगति का संकल्प लिया है। 2019 के अंदर जब ये सुशासन वर्ष का शुरू किया गया था तो हमने इस वर्ष का नाम सुशासन वर्ष दिया था, और 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष इसका नाम दिया था, 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष नाम दिया था, 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष नाम दिया था, और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि प्रदेश के नागरिकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और समय पर हर हरियाणा वासी को योजनाओं और मनोहर नीतियों का लाभ हो। इस कदम से न केवल हरियाणा का विकास हो रहा है बल्कि हरियाणा की मनोहर पहचान भी स्थापित हो रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कई बड़े बड़े और अहम फैसले लेती रही है ताकि नागरिक खुश और अच्छा जीवन जी सके। वहीं प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग की 37 सेवाओं को समय सीमा की निर्धारित की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार ने विभाग की 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन में, आपको बता दें कि डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर, NOC स्वामित्व हस्तांतरण 7 दिन के अंदर, गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन के अंदर, वाहन परिवर्तन और स्थानांतरण ड्राइविंग लाइसेंस का पता 10 दिन के अंदर कराना होगा, गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन के अंदर,
परमिट हरियाणा और परमिट राष्ट्र 5 दिन, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन, स्वामित्व हस्तांतरण संबंधित सेवाएं, पता परिवर्तन 7 दिन। राज्य के बाहर खरीदे गए वाहन को भी 15 दिन के अंदर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वहीं प्रदेश में जहां नागरिकों के लिए पहले से ही कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका नागरिक भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को सोलर पंप पर 75% की सब्सिडी दी जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। किसानों को सोलर पंप पर दी जा रही 75% की सब्सिडी, हर चरण में पहले आओ पहले पाओ के तहत 5,614 सोलर पंप दिए जाएंगे। 20 दिसंबर 2022 से sarlharyana.gov.in पर शुरू हो जाएगा आवेदन। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए लगातार बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, जिससे कि हरियाणा और हरियाणावासी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें और हरियाणा का कल्याण हो, इसके लिए मनोहर सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन नागरिकों के लिए एक फैसला लिया है जो कैंसर की स्टेज 3 और 4 के पीड़ित हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों को मिलेगी 2,500 की मासिक पेंशन। योजना हेतु बजट 68,42,00,000 का है। 3,00,000 तक के वार्षिक आय वालों को सहायता दी जाएगी। सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी पेंशन। तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विनय गुप्ता, जो कि फरीदाबाद से सिविल सर्जन के पद पर काबिज है। सुनवाते हैं। पहले जो पैसों की सीमा थी वो 1,20,000 थी, अब उसे बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। जो अंत्योदय परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी को ये कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें PPP जो परिवार पहचान पत्र है उनके बेसिस पे इन कार्डों को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर PPP के अंदर इनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी का कार्ड अभी बनाया जा रहा है। सरकार यदि कोई कार्ड रह भी गए हैं तो उनको रेक्टिफाई कर रही है PPP कार्ड को, और लोग जो रह गए हैं उनका भी सभी का कार्ड बनाया जाएगा और सभी को आयुष्मान के तहत मिलने वाली 5,00,000 की सुविधा दी जाएगी। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, उन सभी को इसकी हेल्प मिलेगी। 5,00,000 के अंदर वो आएंगे और इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5,00,000 तक का जो है इलाज कर सकते हैं, अस्पताल की बात करें कि पहले जिस तरीके से देखा था कि हमने कई अस्पताल ऐसे थे जो कि सिलेक्टेड थे और जिन्होंने डिनाई कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड को किया, ऐसे में चिरायु कार्ड को अगर डिनाई करते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होती है। टोटल 30 अस्पताल हैं जो हमारे इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए हुए हैं, 24 प्राइवेट है और 6 गवर्नमेंट अस्पताल है। 6 गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद, SDH बल्लभगढ़, FRU 1-2 और खेड़ी कला वाला जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, 6 हमारे इसके अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। और ये सभी लोग इन व्यक्तियों को जिनका आयुष्मान कार्ड है या चिरायु कार्ड है, उन सभी को ये सुविधाएं दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति को ये कंप्लेंट मिलती है कि ये अस्पताल रजिस्टर्ड है और ये डिनाई कर रहा है, इमीडिएट हमारे नोडल अफसर डॉक्टर विशाल हैं, उनको कंप्लेन करें और उसी समय हम आपकी जो भी समस्या है
उसी समय हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वक्त हो गया आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं, योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।